आजकल वड़ा पाव का ट्रेंड चल रहा है। मुंबई का वड़ा पाव दिल्ली में भी लोकप्रिय हो गया है। चलिए आज हम वड़ा पाव बनाते हैं। एक कुकर में 4 आलू उबाल लेते हैं। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, जीरा, हरा धनिया मिक्सर में पीस लेते हैं। अब ड्राई कोकोनट, ग्राउंडनट, साबुत धनिया और जीरा को भूनकर उसमें लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर चटनी बना लेते हैं। अब एक पैन में बेसन को महक आने तक भून लेते हैं। उबले आलू को मैश कर लेते हैं। पैन में तेल डालकर जीरा चटकने के बाद प्याज डालकर भून लेते हैं। हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया के मिक्सचर को ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और भुना हुआ बेसन ऐड कर लेते हैं। अब मैश आलू को मिलाकर हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल में बेसन, नमक और पानी मिलाकर बैटर बना लेते हैं। उसमें एक पिंच सोडा मिलाते हैं। आलू के मिक्सचर के छोटे छोटे गोला बना लेते हैं। अब कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद वड़े तल लेते हैं। वड़े को पाव और चटनी के साथ सर्व करते हैं।